भाई आप लोग एकदम सच सच बताना कि क्या आप भी एलईडीज को खराब होते हुए देखना पसंद करते हो। जहां तक मुझे लगता है आप लोगों में से काफी लोग ऐसे हैं कि जो एलईडी को कभी खराब ना हो सके ऐसी वीडियो ढूंढ रहे हो। और यूट्यूब भी अगर आप सर्च करते हो तो यूट्यूब पर भी आपको पूरा वीडियो आप सर्च कर लो, कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको ऐसा ट्रिक बताया जाएगा जिससे एलईडी आपकी खराब ना हो सके। यहाँ पर मेरे पास कोब एलईडी है, 3 mm की एलईडी है, 5 mm की एलईडी है, 10 mm की एलईडी है, और भी साथ काफी सारे एलईडी आते हैं जो अभी मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, और जिस ट्रिक को मैं आपको बताऊंगा ना उससे आपकी कोई भी एलईडी खराब कभी नहीं होगी। लगभग 10 साल तो समझ लो कि पक्का चलने वाला है। तो वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। काफी मेहनत लगी इस वीडियो को रिसर्च करके मुझे बनाने में। तो चलो गाइस ज्यादा टाइम लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर इतने सारे सामान को रख करके आखिर कर क्या रहा हूँ, तो देखो आपको पूरा डिटेल से समझना है और मैं आपको डिटेल से बताऊंगा अभी। तो सभी सामान यहाँ पर होंगे तो आप आसानी से समझ पाओगे। बात तो सही है। यहाँ पर मेरे पास कौन कौन से एलईडीज है और किस तरीके से यूज किया जाता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर देखो ये वाली जो एलईडी है ये हमारी रेड कलर की एलईडी जो की 3 mm की है, ये ग्रीन कलर की है, आपको साफ साफ दिख रहा है, ये येलो है, ये ब्लू है, और इसकी बात करें तो ये व्हाइट कलर की एलईडी है, ये हमारी आरजीबी वाली एलईडी हो गई, और ये भी व्हाइट कलर की एलईडी है जो हमारे टॉर्च पर यूज होती है। ये है एक कोप एलईडी, सीओबी बल्ब भी काफी लोग बोल देते हैं। आप देखो ये सभी बल्ब को अगर जलाना है तो हम क्या यूज करते हैं, या तो हम लिथियम आयन बैटरी का यूज करते हैं, या हम 9 वोल्ट की बैटरी यूज करते हैं, या 4 वोल्ट की एसी बैटरी यूज करते हैं, या तो लास्ट जो हमारा होता है वो होता है 12 वोल्ट की लीड एसिड बैटरी। और हमारा जो एलईडी खराब होने का जो छोटा सा प्रॉब्लम होता है उसका सोल्यूशन होता है हमारे पावर सप्लाई में भी, आखिरकार हम उसमें कितने एम्पियर का पावर सप्लाई दे रहे हैं। अब उसके हिसाब से हमें यूज करना होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को भी हमें लगाना नहीं आता है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो जैसे कि मान लेते हैं ये हमारी ब्लू कलर की एलईडी है, अब इस ब्लू कलर की एलईडी पर हम कितने ओम्स का या कितने के का रेजिस्टेंस हम यूज कर सकते हैं, तो सभी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखना। अब चलो स्टेप बाय स्टेप इसे स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस स्टेप नंबर 1 यह है, आपको सबसे पहले एलईडी को समझना होगा कि आखिर आपकी जो एलईडी है वो कितने वोल्ट पर रन करती है, और उसके हिसाब से आपको पावर सप्लाई यूज करना है। अब पावर सप्लाई अगर 4 वोल्ट भी अगर लगाते हो तो एलईडी खराब हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो बात करें सबसे पहले इस नॉर्मल वाले एलईडी की, अगर मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि ये है हमारा रेड कलर का एलईडी जो हमारे नॉर्मली कितने वोल्टेज की होती है, 1.8 वोल्टेज के आसपास ही होता है। अब आप सोचो कि हम इस पर 12 वोल्ट भी दे देते हैं या 3.7 वोल्ट भी दे देते हैं तो ये खराब नहीं होता है, लेकिन ये खराब हो जाता है क्योंकि इसकी मैक्सिमम जो पावर होती है वो होती है 2.3 वोल्टेज, और जब हम उससे ज्यादा देते हैं तो ये खराब हो जाता है। अब इसके हिसाब से हमें क्या करना होता है, यहाँ पर आप सिर्फ दो ही चीज कर सकते हो, या तो यहाँ पर आप रेजिस्टेंस लगा सकते हो, या आपको जो पावर सप्लाई है उस पर आपको स्टेप डाउन मॉड्यूल लगा करके इसकी वोल्टेज को कम करना होता है। लेकिन हमें पता भी नहीं है कि आखिर हम इस पर रेजिस्टेंस कितने लगा सकते हैं, तो रेजिस्टेंस को भी क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर डाटा सीट अपना बना लिया है जो मैं आपको लास्ट पर डाटा सीट भी इसका दे देने वाला हूँ। अब इसके हिसाब से रेजिस्टेंस कौन सा लेना है वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले सभी एलईडी की जो वोल्टेज है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसकी जो वोल्टेज है रेड कलर की, इसका मिनिमम वोल्टेज होता है 1.8 वोल्ट और मैक्सिमम आप दे सकते हो 2.3 वोल्ट के आसपास। अब बात करें यहाँ पर येलो वाली एलईडी, तो इस येलो पर हम कितनी वोल्टेज मिनिमम दे सकते हैं और मैक्सिमम हम इस पर कितना यूज कर सकते हैं, तो इसकी जो वोल्टेज होती है मिनिमम वो होती है 2.1 वोल्ट और मैक्सिमम होती है 2.3 वोल्ट। आप सोचो आप लोग कि इतना कम कम वोल्टेज हम इस पर देते हैं, लेकिन जब हम पावर सप्लाई बनाते हैं या कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं उस पर हम 5 वोल्ट दे देते हैं और 6 वोल्ट भी दे सकते हैं, 12 वोल्ट भी देते हैं, तो ये खराब हो जाता है। अब देखो इसके बाद हमारा आता है ग्रीन कलर के एलईडी पर। ये जो ग्रीन कलर का एलईडी है, देखो मैं 3 mm का बता रहा हूँ तो ऐसा मत समझना 5 mm का नहीं बताऊंगा, मैं सभी अभी स्टेप बाय स्टेप में बढ़ रहा हूँ तो आपको मैं क्लियर से समझा देने वाला हूँ। ग्रीन कलर की जो एलईडी है इसका वोल्टेज मिनिमम होता है 2.2 वोल्ट और मैक्सिमम इसका होगा 2.8 वोल्ट। आप एक कॉपी पेन ले लो और आप उसे अच्छी तरह से लिख लो, मैं जो आपको डिटेल बता रहा हूँ ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्किप करते हो तो आपसे एलईडी हमेशा खराब होगी और मुझे आप कमेंट भी करते रहोगे। अब जो हमारा ब्लू कलर का एलईडी है ये हमारा काफी अच्छा होता है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ब्लू कलर की एलईडी है ये ना के बराबर खराब होती है, क्योंकि इसका जो पावर होता है वो काफी अच्छा होता है, इसकी लाइट जो होती है वो भी काफी अच्छी होती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका जो मिनिमम पावर होता है वो होता है 3.2 वोल्ट, जो हमारे नॉर्मली बैटरी जब डिस्चार्ज होता है तो हमारा बच जाता है,
और इसका जो मैक्सिमम पावर जो होता है वो होता है 4.2 वोल्ट, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट इसे बैटरी से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एलईडी को खराब होने से कैसे बचाया जाए, तो यहाँ पर देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्रिज रेक्टिफायर एक लगाया था छोटा सा SMD वाला, और जब हम इसे टच करते हैं तो एलईडी अच्छी तरह से ग्लो करता है। क्यों करता है कि देखो यहाँ पर जो बैटरी की जो वोल्टेज है वो कितनी है, 3.7 वोल्ट, और मैंने अभी आपको बताया इसका मिनिमम वोल्टेज होता है 3.2 वोल्ट और मैक्सिमम होता है 4.2 वोल्ट। तो अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट पर यूज करते हो तो ब्लू कलर की एलईडी ज्यादा यूज करना ये आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आप यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं भी यूज करते हो तो आप अच्छी तरह से इसे यूज कर पाओगे। अब जो हमारा एलईडी आता है वो है व्हाइट कलर की एलईडी, जो है हमारा 3 mm वाला। अब इसके लिए हमें जो वोल्टेज है वो लगभग देखा जाए तो सेम ही हमें लेना होता है। इसका जो मिनिमम वोल्टेज होता है 3.2 वोल्ट और मैक्सिमम होता है हमारा 5 वोल्ट। अब जब आप 5 वोल्ट इस पर लेते हो तो आपको ना इस पर रेजिस्टेंस लगाना होता है और ना आपको किसी तरह का कंपोनेंट लगाने की जरूरत पड़ती है। जैसा मैं आपको लाइव अभी चेक भी करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो ये मेरे पास 4 वोल्ट की बैटरी है। अभी मैं इस पर टच करता हूँ, ये देखो एलईडी जो है वो काफी अच्छी तरह से ग्लो कर रही है। ये देखिए बिल्कुल सही तरह से ये ग्लो कर रहा है। अब मैं आपको RGB कोब और जो हमारा 10 mm का एलईडी है इसे मैं आपको बताऊंगा कि ये खराब होने से हम कैसे बचा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसकी वोल्टेज की बात करें तो इसकी वोल्टेज कितनी होती है, हमारा जो RGB वाला एलईडी है RGB हमारा 5 वोल्ट पर स्टार्ट होता है मिनिमम वोल्टेज है, और इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है वो होता है हमारा 8 वोल्ट। अब आप बोलोगे भाई आपने आज तक 8 वोल्ट पर इसे यूज करके नहीं दिखाया है, तो इसका कारण है क्योंकि हम कभी भी एक एलईडी को यूज नहीं करते। ज्यादा एलईडी यूज करेंगे तो यहाँ पर 12 वोल्ट से भी चला सकते हो, वो भी बिना रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए हुए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने दिवाली पर एक वीडियो बनाया था जिस पर मैंने दुनिया का सबसे लंबा झालर मैंने बना करके दिखाया था, और उस पर मैंने पावर सप्लाई यूज किया था 5 एम्पियर का SMPS, और उस पर जब आपने देखा था उसे टेस्टिंग पर तो पूरी तरह से वो SMPS से चल रहा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को एंड स्क्रीन पर आ जाएगा जब ये वीडियो खत्म होगा। अब देखो जो हमारा कोब एलईडी है, कोब एलईडी पर हम कितना पावर सप्लाई यूज करते हैं या कितनी वोल्टेज हम इस पर मैक्सिमम दे सकते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा 4 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट तक ये काम करता है। अगर उससे ज्यादा देते हैं तो ये खराब हो जाता है। अब आप लोग बोलते हो कि इस पर हम रेजिस्टेंस तो लगाते नहीं कभी, तो ये खराब क्यों नहीं होता है या ये खराब हो जाता है कैसे, तो ये हमारा चलता है डायरेक्ट हीट सिंक ऊपर। अगर हम इस पर हीट सिंक ना लगाएं तो ये खराब हो जाएगा, और ये इसकी बात अलग होती है, तो इसे मैं अभी साइड रखता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ ये 10 mm की एलईडी पर कि ये हमारा खराब क्यों हो जाता है। इसकी जो वोल्टेज होती है वो होती है 5 वोल्ट से 6 वोल्ट तक, और जब हम इस पर 9 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो ये तुरंत से खराब हो जाता है। अब मैं आपको स्टेप 2 के बारे में बताने वाला हूँ, और स्टेप 2 पर हमारा क्या आता है, वो आता है हमारे एलईडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कि हमारी एलईडी के हिसाब से कौन सा रेजिस्टेंस हमें यूज करना चाहिए। और लास्ट जो थर्ड स्टेप होगा ना उसे आप जब देख लोगे तो आपके माइंड के सभी क्वेश्चन जो है वो दूर होने वाली है। बस वीडियो काफी ज्यादा लंबा होने वाला है, लेकिन कुछ सीखना है तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। अब चलो गाइस हम स्टार्ट करते हैं पहले रेड कलर की एलईडी के साथ कि अगर हमारा ये रेड कलर का जो एलईडी है इसे अगर हमें पावर सप्लाई के साथ यूज करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझो कि आप यहाँ पर कितनी वोल्टेज और कितनी एम्पियर का पावर सप्लाई यूज कर रहे हो। एग्जाम्पल में ले लेते हैं हमारा ये लिथियम-आयन बैटरी, ये हमारा होता है 3.7 वोल्ट, और इसका जो एम्पियर होता है वो मैक्सिमम देखा जाए तो 2 एम्पियर या ज़्यादा से ज़्यादा 3 एम्पियर तक के अंदर में ये आपको मिल जाता है। अब हमें इससे अगर ये चलाना है तो हम यहाँ पर कितने एम्पियर का यूज करेंगे तो उसके हिसाब से हमें कितना रेजिस्टेंस हमें यूज करना पड़ेगा। तो सीधी भाषा में मैं आपको समझाता हूँ, आप इस पर कम से कम 220 ओम्स का आपको रेजिस्टेंस यूज करना है इस वाले एलईडी के साथ। ये रेड कलर वाला एलईडी है तो इस पर आप 220 ओम्स से लेके मैक्सिमम 1K तक का आप इसे यूज कर सकते हो। कि जब भी हम इसे पावर सप्लाई के साथ यूज करते हैं तो इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग के लिए, क्योंकि रेड कलर की एलईडी आप कभी भी यूज इसे नहीं करते हो जैसा आपको नॉर्मली एलईडी के लिए यूज करना पड़ता है। जैसे ब्लू के लिए डीजे लाइट बनाया जा सकता है, येलो के लिए भी लैंप लाइट बनाया जा सकता है, ग्रीन के लिए भी डेकोरेशन लाइट बनाया जाता है, लेकिन रेड कलर के साथ आपने आज तक नहीं देखा होगा कि इसके साथ कोई डेकोरेशन लाइट बनाया गया हो। वो अलग बात है, काफ़ी लोग बना देते हैं, लेकिन इसका ज़्यादातर काम होता है चार्जिंग के लिए ही। अब हमारा जो सेकेंड एलईडी है वो है येलो कलर का। अब इसके साथ हमें कौन सा रेजिस्टेंस यूज करना चाहिए जो कि हमारा काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है। येलो कलर का एलईडी ज़्यादातर यूज होता है हमारे सोलर पैनल के साथ, क्योंकि सोलर पैनल हमारा एम्पियर काफ़ी अच्छा देता है, और वहाँ पर उस जगह पर क्या होता है कि एलईडी जो है वो फ्यूज भी बहुत जल्दी हो जाता है।
जिस पर हमें यूज करना पड़ता है 330 ओम्स का रेजिस्टेंस। अब 330 ओम्स का रेजिस्टेंस नहीं है तो ऐसा नहीं है कि भाई हम थोड़ा सा ज्यादा या कम करके लगा लें। कम तो आप बिल्कुल भी मत करना, ज्यादा आप कर सकते हो लेकिन 1K से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और ये सभी आपको अभी डीसी सप्लाई के लिए ही सिर्फ मैं बता रहा हूँ, बाद में मैं आपको एसी सप्लाई के लिए बताऊंगा कि एसी सप्लाई से हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं या कितने ओम्स की रेजिस्टेंस को हम यूज कर सकते हैं। ग्रीन कलर की एलईडी के साथ हमें यूज करना होगा 2.2K का रेजिस्टेंस। आप बोलोगे भाई जब आप इन सभी पर ओम्स पर यूज कर रहे हो तो 2.2K का रेजिस्टेंस आप क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये एलईडी काफी पावरफुल होती है, इसे काफी ज्यादा एम्पियर की जरूरत पड़ने वाली है। और जिस जगह पर हमें 2.2 का रेजिस्टेंस यूज करना होता है, अगर कम यूज करते हो तो ये शायद खराब भी हो जाए या इसकी ब्राइटनेस जो होती है वो थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन मैक्सिमम अगर मेरे हिसाब से समझो तो 2.2K हमारा बेस्ट होता है, या आप फिर भी बहुत ज्यादा सोचने लगते हो तो 1K का मैं आपको बोल सकता हूँ कि लास्ट यूज कर सकते हो। लेकिन 1K का मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, खराब होगा तो वो आप समझ सकते हो। लेकिन मेरी मानो तो 2.2K का रेजिस्टेंस बेस्ट होगा आपके लिए। अब ब्लू कलर की जो एलईडी है इस पर हमें यूज करना पड़ता है मिनिमम 400 ओम्स का रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो, या आप यहाँ पर 470 ओम्स का यूज कर सकते हो, या लास्ट 1K का यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आप बोल रहे हो भाई आप जब यहाँ पर इतने सारे रेजिस्टेंस को रखे हो तो यहाँ से बताओ ना, तो यहाँ पर काफी सारे हैं जो मुझे अलग से निकालने पड़ेंगे और वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो आप इसी तरीके से समझो, इस तरीके से समझोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और सभी एलईडी को मैं हटा भी नहीं रहा हूँ जिससे आप सभी एलईडी को पूछ सको और समझ भी सको। अब लास्ट हमारा है व्हाइट कलर की एलईडी जो कि 3mm की है। अब इस पर हमें ना ही तो पावर सप्लाई को ज्यादा यूज करना है और ना हमें कम ज्यादा पावर सप्लाई की यूज करना है। नहीं समझे, मैं क्लियर करके आपको बताता हूँ। जैसे हमारा 3.7 वोल्ट की बैटरी है तो हमें पता है कि ये 5 वोल्ट पर आसानी से काम करता है, तो यहाँ पर 5 वोल्ट के साथ तो रेजिस्टेंस हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 12 वोल्ट का यूज करें तब हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस का यूज करना पड़ेगा, और उस जगह पर हमें यूज करना है 1K का रेजिस्टेंस। तो अभी आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो प्रॉपर जो एलईडीज है उन सभी के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस और अलग अलग वोल्टेज सेट किया गया है। अब आप बोलोगे कोब एलईडी क्यों नहीं बता रहे हो, तो इसे मैं रखता हूँ साइड क्योंकि इसे 5 वोल्ट के अलावा आप इसे किसी पावर सप्लाई से यूज नहीं कर सकते। अगर आप चलाते हो तो ये खराब हो जाएगा। आप इसे सीरीज में करके चला सकते हो, जैसे दो एलईडी है तो यहाँ पर एक एलईडी का पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव कनेक्ट करके ये सीरीज में कितना बन जाएगा, 5 × 10 यानी ये 10 वोल्ट का बन जाएगा, तो 9 वोल्ट की बैटरी से ऑपरेट कर सकते हो। तो चलो इसका कहानी खत्म हो गया, इसे हम रखते हैं साइड पर। अब इसकी बात करें तो आप यहाँ पर इससे भी कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि ये एलईडी भी खराब हो जाएगी अगर आप 12 वोल्ट पर काम करते हो। 12 वोल्ट पर करोगे चाहे आप इस पर कितनी भी रेजिस्टेंस लगा लो, इसकी जो ब्राइटनेस होती है वो कम ही आएगी। जब भी आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे हमेशा रेजिस्टेंस पर इसका वोल्टेज कम आएगा, चाहे आप इस पर कम से कम रेजिस्टेंस वैल्यू लगाओ चाहे ज्यादा से ज्यादा लगा लो। अगर आप यहाँ पर 220 ओम्स का भी रेजिस्टेंस यूज करते हो तो अभी इसका एलईडी का पावर कम आएगा, और 1K का लगाते हो तो अभी आपको यहाँ पर पावर कम देखने को मिलेगा। तो मैं तो आपको बोलूंगा आप इसे डायरेक्ट बैटरी से चलाना 5 वोल्ट पर, रेजिस्टेंस का झंझट मत लो। रेजिस्टेंस का काम होता है छोटे छोटे एलईडीज के लिए, लेकिन इसके लिए ये बना हुआ नहीं है तो मैं इसे भी अब साइड रखता हूँ। अब आरजीबी के साथ क्या होता है वो मैं क्लियर करता हूँ। आरजीबी जो है अगर हम इस पर 9 वोल्ट भी दें तो ये जल्दी खराब नहीं होता है, लेकिन शायद ये खराब हो भी सकता है। वो क्या होगा मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 9 वोल्ट की बैटरी है, अगर मैं इस पर कनेक्ट करूँ तो ये खराब होगा या नहीं होगा, चलो आपके सामने देखते हैं। ये देखो एलईडी खराब तो नहीं हो रहा लेकिन काफी ज्यादा गर्म हो जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये 5 वोल्ट से लेकर 8 वोल्ट तक ये आसानी से काम करता है, तो ये जल्दी खराब नहीं होता है। लेकिन मैं तो आपको बोलूँगा 5 वोल्ट पर काम करना, ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। अगर बाय चांस अगर आपको यहाँ पर 12 वोल्ट पावर सप्लाई का यूज करना है तो आप यहाँ पर 1K का रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। तो चलो गाइस अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो चालू होने वाला है, और उसे देखने के बाद आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। गाइस अब हमारा थर्ड स्टेप स्टार्ट हो चुका है, और थर्ड स्टेप पर हमारा चलने वाला है पूरी तरह से डीसी वोल्टेज पर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में से काफी लोग ऐसे होते हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, और उनमें से काफी लोगों को यह लगता है कि अगर हमारा जो घर का जो बिजली लोड है 220 वोल्ट 230 वोल्ट, तो हम उस पर इस एलईडी को यूज करेंगे तो हम कितने ओम्स का रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हैं। तो अब मैं बताने वाला हूँ कि कितनी वोल्टेज पर हमें कौन सी ओम्स की या कितने किलो ओम्स की रेजिस्टेंस को यूज करना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ सभी एलईडी के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस यूज करना है। सबसे पहले रेड कलर की बात करें
तो इसे ऑपरेट करना अगर 12 वोल्ट से 12 वोल्ट से, तो उस जगह पर हमें यहाँ पर 1K का रेजिस्टेंस यूज करना है। अब हमें मान लो कि कोई इन्वर्टर को बना रहे हैं, जैसे साइन वेव जो इन्वर्टर होता है उस पर दो फंक्शन होते हैं, एक होता है ब्रिज मोड, एक होता है साइन मोड का होता है एक तरह से समझो। उस पर हमें 110 वोल्ट भी देखने को मिलता है और 220 वोल्ट भी देखने को मिल जाता है। अब उस जगह पर अगर हमारे 110 वोल्ट आ रहा है तो उस जगह पर हम कितने ओम्स का रेजिस्टेंस पर यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा 58K का, यानी 58 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस यूज करना है, जिससे ये LED खराब नहीं होगा। 220 वोल्ट पर तो आपको पता ही होता है कि 100K का यूज करना चाहिए, जो हमारे LED के लिए बेस्ट होता है। और लास्ट में आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जिससे आपको अगर पता होगा तो आप मुझे बता देना, और नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेशन पर बताना कि वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब येलो कलर पर हमारा अगर 12 वोल्ट की LED यूज कर रहे हो, सॉरी 12 वोल्ट का पावर सप्लाई यूज कर रहे हो, उस जगह पर हमें यूज करना है 860 ओम्स का रेजिस्टेंस, 860 ओम्स का, तब ये 12 वोल्ट पर काम करेगा। और अगर हमें यहाँ पर 120 वोल्टेज देना है, यानी आधा हाफ अगर वोल्टेज देना है, तो यहाँ पर 56 किलो ओम्स का हमें रेजिस्टेंस यूज करना है। 220 वोल्ट के लिए हमें कितना यूज करना है, तो सेम रहेगा 100K का। 100K से आप ज़्यादा यूज कर सकते हो, लेकिन वो कुछ ओम्स होंगे, अगर ज़्यादा कर देते हो तो यहाँ पर LED जो है वो कम लाइट देने लगेगा और ये काम भी ढंग से नहीं करेगा, ठीक से काम नहीं करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ ग्रीन LED के साथ हमारा क्या फंक्शन चलता है। येलो पर और ग्रीन पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बस कुछ ही डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जैसे कि इस पर हमें येलो पर हमें कितना देना था 12 वोल्ट पर 860 ओम्स, लेकिन यहाँ पर हमें ग्रीन के साथ देना है 890 ओम्स का रेजिस्टेंस। अब 110 वोल्टेज पर हमें चलाना है, इस पर कितना देना है, तो इसे हमें देना पड़ेगा 60K का रेजिस्टेंस, यानी 60 किलो ओम्स का। 230 वोल्ट पर इसके लिए आपको बेनिफिट आपको मैं बता देता हूँ, जो आपको अभी तक कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताने वाला है। आप इस पर जब भी 100K का यूज करोगे, साथ में आपको उस पर 10K का रेजिस्टेंस और एक्स्ट्रा लगाना है, क्योंकि आपको पता है 110 ओम्स किलो ओम्स का रेजिस्टेंस नहीं आता है मार्केट पर, तो आपको यहाँ पर जरूरत पड़ने वाला है। जिन भाइयों को नहीं पता था, कमेंट सेक्शन पर जल्दी से बताना, आपके कमेंट्स पर भी वीडियो बनाई जा रही है और आगे भी काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे आप लोगों को। अब ब्लू कलर के साथ हमें यहाँ पर 2K का रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो 12 वोल्ट के लिए। अब 110 वोल्ट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए 72 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस यूज करना, अगर हाफ एम्पियर के लिए यूज कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब 240 वोल्ट हम इस पर इनपुट देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब ये 5 वोल्ट आसानी से रन करता है, तो जब आप बिजली के बोर्ड पर इसे लगाते हो तो ये 240 वोल्ट पर यूज होता है। 230 वोल्ट पर कभी भी आपने नहीं देखा है कि ब्लू कलर की LED लगाई गई होगी, लेकिन 240 वोल्ट पर हमेशा आपको ब्लू कलर का LED देखने को मिल जाएगा। और इसे चलाने के लिए 100K का यूज करते हैं, 100K का रेजिस्टेंस जो होता है उसे हम यूज करते हैं। अब लास्ट हमारा व्हाइट कलर की LED जो है हमारा ये वाला। अब व्हाइट कलर की LED के लिए 1K का रेजिस्टेंस 12 वोल्ट और 110 वोल्ट के लिए हमें यूज करना है 80 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस, और 230 वोल्ट के लिए 100K और साथ में आपको 600 ओम्स का रेजिस्टेंस यूज करना है। तो ये मैंने आपको पूरा डाटा सेट आपको बता दिया हूँ मैं कि आपको किस LED के साथ कितने ओम्स का रेजिस्टेंस यूज करना है, कितने पावर के साथ कौन सी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर मैं आपको साथ में कनेक्शन कर करके बताता तो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाता और आप समझ भी नहीं पाते। अब देखो मैं जो आपको बोल रहा था कि प्लस पॉइंट आपको मिलने वाला है वो क्या है, देखो मैं क्लियर बताता हूँ। जब भी आप LED पर रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हो तो मुझे ये बताओ कि रेजिस्टेंस आप किस पर कनेक्ट करते हो, नेगेटिव वाले पर या पॉजिटिव वाले पर। आप में से काफ़ी लोग अभी यही सोच रहे हो कि भाई हम जब भी कोई भी प्रोजेक्ट यूज करते हैं तो नेगेटिव को कॉमन मानते हैं और LED का जो नेगेटिव होता है उसी पर हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, और ये होती है आपकी बहुत ही बड़ी गलती। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव जो चार्ज होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज आप जब भी कनेक्ट करते हो एक साथ पर, उस जगह पर हमारा नेगेटिव वोल्ट पर कोई भी वोल्टेज शो नहीं होता है। और जब हम एम्पियर के साथ वोल्टेज को बढ़ाते हैं उस जगह पर क्या होता है, हमारा जितना पावर लगता है वो सभी LED पर लग जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जाता है LED पर और नेगेटिव पर हमारा कोई भी चार्ज नहीं जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी आप कोई पावर सप्लाई यूज करते हो उस जगह पर आप यहाँ पर हमेशा LED के पॉजिटिव टर्मिनल पर रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना, क्योंकि आपने देखा जो डायोड होते हैं डायोड को किस लिए यूज किया जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल के लिए। अगर कोई IC है तो उस पर भी जब भी हम कोई
पावर सप्लाई यूज करते हैं उस जगह पर हमें पॉजिटिव पॉइंट पर हमें रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना होता है। तो सेम उसी तरीके से आपको एलईडी पर जब भी कनेक्ट कर रहे हो रेजिस्टेंस को, तो आपको पॉजिटिव वाले पर ही कनेक्ट करना चाहिए। तो ये मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया, पूरा समझा दिया मैंने किस वोल्टेज के लिए कौन सा यूज करना चाहिए। और साथ ही मैं आपको सोचता हूँ कि और कुछ मैं बता दूँ इसी वीडियो पर कि अलग से वीडियो बनाने में क्या फायदा है अगर एक ही वीडियो में हमारा पूरा ट्यूटोरियल आ जाता है। देखो ये जो हमारा व्हाइट कलर का एलईडी है, इसमें से काफी लोगों को यह कमेंट भी आता है कि जब भी हम इसे पावर सप्लाई के साथ यूज करते हैं तो इसकी जो लाइट होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है रेजिस्टेंस को लगाने के बाद। तो उस जगह पर आप क्या कर सकते हो मैं आपको क्लियर से बता देता हूँ। मान लो कि आप यहाँ पर 12 वोल्ट की पावर सप्लाई यूज कर रहे हो और उस जगह पर आप यहाँ पर 1K का रेजिस्टेंस लगाते हो, तो बाय चांस है कि एलईडी का जो वोल्टेज है वो कम आएगा और उस जगह पर आपको लाइट भी थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो उस जगह पर आप क्या कर सकते हो, जो रेजिस्टेंस का ओम्स होगा उसे आप थोड़ा थोड़ा कम करना, जिससे यह होगा कि आपकी जो एलईडी है वो हल्की हल्की ग्लो ज्यादा होगी और उसके हिसाब से आपको पता भी चलेगा कि 12 वोल्ट के पावर सप्लाई पर हम कितने ओम्स की रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हैं एलईडीज के लिए। तो बस आपका यही काम होता है, यहाँ पर खत्म हो जाता है। लाइट अगर कम आता है तो ओम्स को कम करना, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करना, और अगर लाइट काफी ज्यादा ग्लो कर रहा है, गर्म हो रहा है, तब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को थोड़ा बढ़ा सकते हो। तो गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को आप लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपके नए कमेंट और या तो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।